दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हेसले का पल्स ऑक्सीमीटर कैसा है। मैंने जब इसे लिया था तो मुझे मिला था 2999 का, लेकिन इस टाइम इसका प्राइस बहुत बढ़ चुका है। इसका प्राइस हो चुका है 4,99 का, मतलब 1100 के आसपास इसका दाम बढ़ चुका है। पता नहीं कंपनी वाले क्या चाहते हैं, कि आपदा को अवसर में बदल रहे हैं या इनका स्टॉक ख़त्म हो गया, अब कंपनी वाले ही जाने। इसको लगभग मैंने 7 महीने पहले ख़रीदा था और जो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसके अंदर ये एक मिली थी यूज़र मैनुअल, बॉक्स पे क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में, देखा जाएगा। वो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये पल्स ऑक्सीमीटर है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कमज़ोर नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि इतना पैसा ही लिए हैं इन लोग। हमसे तो लिए थे 3,000 रुपये, अब इतने टाइम तो लगभग 4,000 के आसपास का है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में एकदम सही है। और हम दिखा दें आपको, इसमें AAA साइज़ की 2 बैटरी लगती है जो इन लोग देते भी हैं, जो रिमोट वाली बैटरी होती है, टाटा स्काई वाला रिमोट जो होता है, लगभग सभी रिमोट में यही बैटरी लगती है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप अपना हार्ट बीट, मतलब जो दिल की धड़कन है, उसको देख सकते हैं, और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, SpO2, और एक होता है PI, परफ्यूजन इंडेक्स को देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम चेक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि SpO2 और पल्स रेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप राइटी हैं तो राइट, मतलब राइट हैंड की उंगली लगाइएगा, अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड की, जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं, बात यह है। तो मैं राइटी हूँ तो अपने सीधे हाथ की उंगली अब इसमें लगा देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसका मुँह खोल दीजिए ऐसे, और फिर ऐसे लगा दीजिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो SpO2 लेवल, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 97 है और पल्स रेट 88 है। जो SpO2 आप देख सकते हैं 97 है और पल्स रेट 88, मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल 97 है, ये मतलब इतने टाइम बहुत ही सही है। ये जो है कितने ऊपर होना चाहिए, 94 के ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। पल्स रेट तो रहता है 60 से 100 तक, अगर आप मतलब हैं, हाँ पल्स रेट 60 से लेकर 100 तक चलता रहता है, अगर आप मतलब हैं एडल्ट, मतलब 18-19-20 साल के, तो चलता रहता है, 18 से 100 हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब हम कुछ देर जब जाते हैं और दौड़ भाग कर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें बदला हुआ है। इतने टाइम देखिए, पहली बार आया है 88 पल्स रेट और SpO2 97। अब कुछ देर हम दौड़ेंगे भागेंगे, फिर आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हालचाल है इसका, कुछ बड़ा घटा। दोस्तों जब भागेंगे तो पल्स रेट तो बढ़ेगा, ये तो पता ही है, अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हम थोड़ा बहुत भाग कर आ चुके हैं, अब हालत ख़राब हो गई है, अब इसमें हम लगा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पल्स रेट जो है कितना बढ़ चुका है, दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा डग गई लग रहा है अभी। अभी ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप देखिए SpO2 जितना रहना चाहिए 94 के ऊपर, वो उतना है, ये देखिए सस्पेक्टेड फास्ट पल्स हो गया। अभी कुछ देर में ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हम आपको दिखा दें कि परफ्यूजन इंडेक्स कैसे देखा जाता है। अब पहले उसको हम दिखा दें आपको, ये जो पुरानी रीडिंग है वो सब दिखाता है इसमें पहले, अगर ये बटन दबा देंगे। इसको हम लगा चुके हैं, अगर हमें देखना है परफ्यूजन इंडेक्स तो इसका बटन दबाएंगे, ये देखिए इस ये पूरे चारों डायरेक्शन में घूमता रहता है, आपको जिधर से देखना है उधर से देख सकते हैं। इतने टाइम आप देखिए PI देखिए 14 है, 14 कह लीजिए, हाँ 14, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है,
देखिए 7 पहुंच गया, 6 पहुंच गया, इसको कितना रहना चाहिए, 0.02 से लेकर 20% तक इसका रहना ज़रूरी है। 0.02 से नीचे आया तो समझ जाइए कि गड़बड़ है कुछ मामला। आप मान लीजिए कि 2 से 20 तक रहना चाहिए, 2 से 20 तक रहना चाहिए तभी सही है। जो है परफ्यूज़न इंडेक्स, देखो देखिए इतने टाइम जो दौड़ कर आए हैं उसी लिए थोड़ा गड़बड़ बता रहा है, गड़बड़ नहीं सही बता रहे क्योंकि पल्स रेट ज़्यादा बढ़ चुका है। जो परफ्यूज़न इंडेक्स होता है, PI लिखा होता है परफ्यूज़न इंडेक्स, वो बताता है कि जो पल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, वो पल्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। परफ्यूज़न इंडेक्स 2 से 20 तक होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉर्मली आप मान लीजिए, लेकिन 0.02 है इसका लास्ट वाला, अगर इससे नीचे जाता है समझ जाइए खतरे खतरा है आपके लिए जीवन में। अब फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए SpO2 तो सही है, ये देखिए PI परफ्यूज़न इंडेक्स देखिए 9 हो गया, 20 मतलब आप मान लीजिए 2 से लेकर 20 तक रहना चाहिए, ये पल्स की स्ट्रेंथ को बताता है, जैसे ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है उसी हिसाब से, अगर कम होगा तो इसका कम हो जाएगा ये। अब ये देखिए, अब सीधे में देखेंगे, वर्टिकल में देखेंगे तो कुछ देर बाद इसमें पल्स रेट बताने लगेगा। परफ्यूज़न इंडेक्स हटा के देखिए पल्स रेट आ चुका है, अगर इसको अभी भी देखिए मेरी पल्स रेट हाई ही है दोस्तों। जो इसका वो आता है रीडिंग, इसमें इन लोगों ने कहा है कि अगर मान लीजिए आपका 97 आया है SpO2, तो वो 2 बढ़ भी सकता है 2 घट भी सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, इस पर लिखा हुआ है प्लस माइनस 2 है, आप समझ सकते हैं। जैसे मान ली 97 बताए हैं तो 99 हो सकता है या 95 हो सकता है, अंदाज़ा आपको लग जाता है दोस्तों। अगर आपको इसको ख़रीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि दाम ऊपर नीचे क्या हुआ है, घटा बढ़ा कि नहीं, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी सही लग रहा है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।